हेलो, अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है गाइस। तो बस यहाँ पे मेरी दिन की शुरुआत हो गई है और कुछ कपड़े मैंने एक्चुअली वॉश किए थे जिन्हें मुझे फोल्ड करके रखने थे, और कुछ चीज़ें मुझे ना अनपैकिंग भी करनी थी क्योंकि मैंने अपना एक बैग एक्चुअली पैक किया हुआ ही रखा हुआ छोड़ा हुआ था। तो मुझे वो बैग ओपन करके कपड़े की शिफ्टिंग भी करनी थी। तो मैंने अपनी कज़न को भी यहाँ पे बुलाया कि मुझे एक्चुअली हेल्प चाहिए चाहिए थी क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो गए थे। देन मुझे मैंने फोल्ड तो कर दिए थे बट कुछ कपड़े एक्चुअली दूसरे रूम में जाके शिफ्ट करने थे और कबर्ड्स में रखने थे। तो मैंने उसको यहाँ पे बुलाया था, जस्ट केम हेयर एंड यू नो हेल्प चाहिए मुझे, तो प्लीज़ आ जाओ यहाँ पे। तो वो एक्चुअली मेरे सारे कपड़े फोल्ड नहीं हुए थे तो वो फिर से वापस चली गई है अपने रूम में, और यहाँ पे बस अब मैं उसको दोबारा बुला के मैं नीचे ही जा ही रही हूँ। बस हो ही गया था ऑलमोस्ट सारी चीज़ें। तो जब शिफ्टिंग का काम होता है ना तो फटाफट कर लेने से एक्चुअली आप फ्री हो जाते हो। और यहाँ पे बच्चे जो कि इंजॉय करने में लगे हुए हैं, ये हैंड को ऐसे मूव करके यू नो गिटार पर प्ले कर रहा है वो, या गिटार प्ले करके ऐसे इंजॉय कर रहा है। तो मैं भी देख के हंस रही थी और अच्छे तरीके से कर रहा था, सो स्वीट, अच्छा लग रहा था देख करके। एंड यहाँ पे अगेन इनको अपने कपड़े चाहिए थे क्योंकि ये लोग एक्चुअली स्कूल से आए थे तो ये लोग लेट ही फ्रेश हुए थे, तो अपने कपड़े एक्चुअली फाइंड आउट कर रहे थे ये। और इवनिंग का टाइम हो गया था गाइज, यहाँ पे इवनिंग में हम बच्चों को लेके पार्क गए थे और बच्चे झूला भी झूल रहे हैं यहाँ पे। सी बहुत कंफर्टेबल था, कन्वीनियंट था उनके लिए, तो अच्छे से बहुत अच्छे से स्विंग कर रहे थे वो लोग। या एंड बस थोड़ा टाइम स्पेंड किया बच्चों ने वहाँ पे खेला, और बहुत सारे और बच्चे थे तो सब लोगों ने मिलके झूला एंजॉय किया। तो वो सारी चीज़ें देख के बहुत ही अच्छी लग रही थी, बच्चों को खुश देख के आप भी खुश हो जाते हो ना। एग्जैक्टली तो मेरी सिस्टर आई हुई थी यहाँ पे, देन हम सब लोग मिलके गए थे वहाँ पे। और ये एक्चुअली हम बाहर आए थे रेस्टोरेंट में तो यहाँ पे कुछ फॉरनर्स आए हुए थे, तो मैं फॉरनर्स को देख रही थी। बहुत ही मतलब डिफरेंट लैंग्वेजेस में बात कर रहे थे ये, इंग्लिश में भी बात नहीं कर रहे थे। आई डोंट नो इनका होम टाउन कहाँ था, ये एक डिफरेंट लैंग्वेज में बात कर रहे थे। एंड फिर हम लोग जब यहाँ पे घर पे आ गए तो सब लोग सांभर इडली की प्रिपरेशंस कर रहे थे। यहाँ पे सांभर ऑलमोस्ट डन हो चुका है। क्या कर रही हो यहाँ पे? क्ले से अंगूठी बना रही हो? डिजाइन दिखाओ, कौन सा डिजाइन में बना रही हो? फ्लावर बना रही हो? और स्टडी बेटा हो गया आप लोगों को? क्या क्या होमवर्क मिला है आज? क्या क्या मिला है आप लोगों को होमवर्क? ओके, ड्राइंग किसने किया है ये? और कलर्स भी उसी ने किया है क्या? ओके, तो आप लोगों को आज का होमवर्क क्या मिला है? क्या मिला है सिर्फ होमवर्क आपको? पढ़ के बताइए। सारिया कम हेयर। पढ़ के बताओ ना बेटा, क्या मिला है आप लोगों को? सारे व्हाट आर यू डूइंग बेटा? होमवर्क कीजिए फटाफट। हाय बोलो बच्चों। हाय। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ सच में देखूं? अल्लाह सी। मेरी एक फ्रेंड थी, मैंने उसको लंच किसी के आइस में देखा था क्या? मेरे फ्रेंड लोग फाइव लोग, तो मैंने उससे लंच शेयर भी किया। वाओ, तो फिर कोई नहीं, ठीक हो जाएगा एक दो दिनों में। कल आई थी तो आज नहीं आई। तो इसके आइस में आई फ्लू हो गया क्योंकि इसके किसी फ्रेंड को हो रहा था गाइस आई फ्लू, तो इसी वजह से इसने शायद आई कांटेक्ट कर लिया
और आई कॉन्टेक्ट करने के बाद सी इसका हाल, कैन यू सी हियर सदफ? इस बार रूम अच्छा दिख रहा है पर कोई नहीं ठीक हो जाएगा ओके 1 and 2 days में यस अच्छा अपना डॉल दिखाना है आज सुना है मैंने इस डॉल को वॉश किया गया है इज दैट ट्रू ऊपर में तुम्हारा कितना गंदा सा लगा दी थी हम वॉश करें सदा तुम्हारी वॉइस रिकॉर्डिंग हो रही है यहाँ पे तो बताएं आप लोग क्या क्या आज के स्टडी स्केड्यूल्स हैं आप लोगों के और क्या क्या स्टडी करना है आप लोगों को। अच्छा मेरा डॉल वहाँ पे रखा। तो स्टडी क्या क्या करना है बच्चों आप बताओ। सदफ एंड सारिया, ओके। तो गाइस मैं ये भी बताती हूँ आपको इनमें से सदफ कौन है और इनमें से सारिया कौन है, ओके। तो हियर सी इज सदफ, जिसको मैंने अभी दिखाया था, सी इज सदफ एंड सारिया इज कम, सारिया इज देयर। हाय हेलो बोलो। दो में बनना है कम और हिंदी में बनाना है कैसे हो और ब्लॉग कैसे लगते हैं आप लोगों को? सदफ कैन यू कम हियर? तो इधर की लाइट चली गई है और इन्वर्टर से आई थिंक लाइट ऑन हो गई है ना? नहीं ये लाइट वाला है, वो हम लोग का फ्यूज हो गया है। ओके फ्यूज हो गया। ओके सदफ जस्ट कम हियर। देखिए हमारा ओह माय गॉड डॉल क्या कर रही हो? ओके मेरा वाला छूना भी मत कर। दिस इज योर न्यू ज्योमेट्री बॉक्स राइट सारिया? यस। वेयर आर यू? ओके तो नाउ सदफ, सदफ से हाय एवरीवन। अरे बेटा बोलो तो हाय सबको कैमरे में देख के। अच्छा ऐसे नहीं, अच्छे से हाय गाइस कैसे हो आप लोग? सी इज वेरी शाय एंड ऑल्सो सी इज वेरी शाय सी, बट यू नो वॉट घर में बिल्कुल भी शाय नहीं है, बट फ्रंट ऑफ कैमरा लिटरली यू नो ये लोग सब लोग शाय हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। ओके देन तो चलो आप बताओ मुझे क्या क्या आज के स्टडी स्केड्यूल्स में है आप लोगों के और क्या क्या स्टडी करने हैं आप लोगों को, आई मीन क्या क्या होमवर्क्स मिले हैं? ओ तो इन लोगों की आर्गुमेंट्स वैसे भी चलती रहती है। क्या है ये? ओके दिस इज द क्ले। ओके और यहाँ पे मैं और अम्मी मिलके टाइम स्पेंड कर रहे थे गाइज। अम्मी को कुछ कपड़े भी आयरन करने थे तो अम्मी आयरन भी कर रही थी और साथ में हम लोग बहुत सारे गप्पे लड़ा रहे थे, बहुत मज़ा भी आ रहा था, बहुत सारी बातें कर रहे थे। मोस्टली अगर मैं किसी काम में बिज़ी होती हूँ तो ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं हो पाती है, बट आज अम्मी ऊपर आ गई थी प्रेस करने के लिए, इन्होंने इतने कपड़े प्रेस कर भी लिए हैं तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा था टाइम स्पेंड करके अम्मी के साथ। तो आज का ब्लॉग बस यहीं पे है गाइज, आई होप अच्छा लगा हो आप लोगों को। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।